गुड इवनिंग एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है भी आपका सुनील क्लासेस। हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने स्लोप ऑफ लाइन तक पढ़ लिया था, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे जानिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करना है। हमने एक बात देखी आप लोग कि यार कोई भी प्लेन है, ठीक है, कोई भी मेरे पास प्लेन है, उसमें मुझे कोई भी दो लाइन खींचनी है। ठीक है, अगर कोई भी दो लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन में दो लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मेरा मन कर सकता कोई दो लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लेन में दो ही तरह की लाइनें अगर मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, या तो दोनों लाइनें क्या होंगी भाई, पैरेलल होंगी, या दोनों लाइनें किसी ना किसी पॉइंट पे क्या कर रही होंगी, कट कर रही होंगी। ठीक है भाई, या तो पैरेलल लाइंस हो सकती है, या किसी ना किसी वो पॉइंट पे क्या कर रही है, दूसरे को कट कर रही हो सकती है। अब वो कट कर रही है तो ये एंगल क्या है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है कि वो ऐसे कट करें कि वो कितना बना दे भाई, 90 बना दे। तो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी दो लाइनें मेरी प्लेन में हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल जरूर होगा, और वो एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं बात करूंगा एंगल बिटवीन टू लाइंस, और बेसिकली ये निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं जो इसकी बात करूंगा, मैं उसको बोलूंगा किस फॉर्म में हमने वो एंगल निकालना है, स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, और इसको मैं ड्राइव करूंगा, फिर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, कि फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे तो सीधा आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले एक बात समझनी है जरा, कि अगर मेरे पास दो लाइन है, मेरे पास एक है एक्सिस है, ये मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास पॉजिटिव वाई है और नेगेटिव वाई है। ठीक है, मेरे पास दो लाइनें हैं। ठीक है, तो एक लाइन मैंने खींच ली ये, और दूसरी लाइन मैंने खींच ली ये। ठीक है, अब इस लाइन को मैंने बोल दिया L1 और इस लाइन को मैंने बोल दिया L2। ठीक है भाई, और ये L1 लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस α1 एंगल बना रही है, और ये एंगल बना रही है α2। ठीक है, अब ये जो अल्फा एंगल है, इससे हम स्लोप निकालते हैं। अल्फा एंगल क्या होता है, जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ये साइड है, इससे जो ये एंगल बनता है। ठीक है, और इससे जो ये इंक्लिनेशन बनता है, उसका मैं टेंजेंट थीटा निकाल देता हूँ, तो वो क्या होती है, स्लोप। अगर मैं L1 की स्लोप लिखूँ, बीच M1 है, L1 की स्लोप, तो वो क्या होगी भाई, टेंजेंट α1, और जो M2 की मेरी स्लोप है तो वो क्या होगी मेरी, टेंजेंट α2, अगर मैं जनरल बात करूँ। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब आगे बात समझिए कि भाई ये दो लाइनें हैं, ये एंगल बना रही हैं, तो एंगल कौन सा भाई, मैं इसको मान लेता हूँ ये एंगल है थीटा, क्या सिर्फ यही एंगल बनाती है, जरा देखना भाई, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कोई एंगल होगा भाई, तो इसको मैंने क्या मान लिया, फाई। अब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा भाई, थीटा होगा, और ये फाई है तो ये भी मेरा क्या होगा, फाई होगा। ठीक है भाई, तो बेसिकली जो दो लाइन कट करेंगी तो वो दो एंगल बनाती हैं, टू पेयर्स ऑफ एंगल, या तो फाई रहेगा या क्या रहेगा मेरा, ये थोड़ा फाई सा बन गया, ये क्या रहेगा मेरा, थीटा रहेगा। ठीक है, तो मुझे कोई सा भी एंगल निकालना आ सकता है, कि मैं थीटा निकाल रहा हूँ कि फाई निकाल रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा, वो केस मैं आपको बनाऊंगा। तो आपको ये नहीं समझना है कि भाई दो लाइन कट करिए तो वो एक ही एंगल बना रही है, वो एंगल तो ऐसे 1, 2, 3 और 4 बना रहे हैं, लेकिन क्या, जब दो लाइनें कट करती हैं तो वर्टिकली जो अपोजिट, जो आमने सामने के एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इस तरीके से इसको फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको एक बात समझनी है कि मुझे क्या फाइंड करना है, पहले थीटा फाइंड आउट करके बता रहा हूँ, फिर दो एंगल के बीच में जो मेरा एंगल है वो क्या, मैं थीटा, फाई तो मैं निकाल लूंगा, फाई तो मैं वैसे भी निकाल लूंगा भाई, देखना अगर मेरे पास थीटा आ गया तो ये पूरा एंगल जो है मेरे पास 180 है, तो फाई जो होगा मेरा वो क्या होगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो मैं थीटा निकालने के बाद फाई तो ऑलरेडी भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलो ड्राइव करते हैं। ये तो ड्राइव करने के लिए एक बार मैं सिचुएशन को साफ कर रहा हूँ, आप एक बार क्या करें इस सिचुएशन को देखिए, मैंने क्या किया है, मेरे पास प्लेन में अगर मुझे दो लाइनें ड्रॉ करनी है, मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, या तो मेरे दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, या वो किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, दो ही मेरे पास सिचुएशन है। अब किसी ना किसी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी तो कोई ना कोई एंगल बनाएंगी, एंगल बनाएंगी तो मैंने एंगल मुझे किस फॉर्म में निकालना है, स्लोप फॉर्म में निकालना है, तो मैंने वो दो लाइन ले, स्लोप क्या होता है, जो लाइन पॉजिटिव साइड से, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से जो एंगल बनाती है, उसका अगर मैं टेंजेंट निकाल दूं तो वो क्या होता है, उसकी स्लोप होती है। तो जो L1 लाइन है उसकी स्लोप M1 मान ली मैंने, तो क्या होगा, टेंजेंट α1, M2 क्या होगी, टेंजेंट α2। ठीक है, ये एंगल थीटा, ये थीटा, ये फाई और ये फाई, दो तरह के एंगल वो बनाएंगे। ठीक है, चलो ड्राइव करते हैं। ड्राइव करने के लिए पहले छोटी सी बात देखिए, मैं अभी बता देता हूँ कि देखो अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये ट्रायंगल बन गई यहाँ पे, थोड़ा समझ, थोड़ा ज्योमेट्री घुसा रहा हूँ बीच में,
भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्री का रोल भी यहाँ बन जाता है। अगर मैं बात करूँ तो ये जरा देखना आप लोग, अगर आप इसको देखोगे तो ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि किन्हीं दो अंदर वाले एंगल का सम, ध्यान सुनना भाई, किन्हीं दो अंदर वाले एंगल का जोड़ तीसरे एंगल के बाह्य एंगल के बराबर होता है। सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ थर्ड एंगल, दो अंतः कोणों का जोड़ तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी मैं यहां से एक बात कह सकता हूं, क्या बात मैं कह सकता हूं, मैं बोल सकता हूं थीटा प्लस अल्फा वन इजिकल्स टू क्या होता है अल्फा। दो कोई भी दो अंदर वाले कोण ले लो, तो ये तीसरा वाला कोण होगा, इसका बाह्य कोण है अल्फा टू, तो इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, अल्फा टू के बराबर होगा। ये ज्योमेट्री की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसका प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 180 माइनस अल्फा टू लिख लूंगा, ये अल्फा वन ये थीटा तीनों का सम क्या होता है 180, वहां से प्रूव हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं इसको साफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे डेरिवेशन करनी है यहां पे। बात को समझना अभी, अब आपके पास एक चीज आ गई भाई, थीटा प्लस अल्फा वन इजिकल टू क्या अल्फा टू। अगर मुझे थीटा निकालना हो तो थीटा मेरा क्या हो गया भाई, अल्फा टू माइनस के क्या हो गया अल्फा वन, ठीक है। अब मेरे पास अल्फा वन और अल्फा टू अकेले तो है नहीं, मेरे पास उनके साथ क्या लगा हुआ है, टेंजेंट लगा हुआ है। तो मैंने क्या दोनों तरफ मैंने ऑपरेटर लगा दिया, इधर भी टेंजेंट थीटा वन और इधर क्या हुआ टेंजेंट अल्फा टू माइनस के अल्फा वन। इतनी बात आपको समझ में, ठीक है। अब एक बात देखिए, यहाँ पे अल्फा टू माइनस अल्फा वन एक आइडेंटिटी होती है टेंजेंट ए माइनस बी, मतलब टेंजेंट ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है, वो क्या होती है, ये होती है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी वन प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ठीक है भाई। इस आइडेंटिटी का मैं यूज करने वाला हूँ, ये टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी है। अगर मैं ऐसी बात लिखू तो ये मेरे पास टेंजेंट थीटा है, तो अगर ये टेंजेंट क्या बोलूंगा अल्फा टू माइनस टेंजेंट अल्फा वन, और यहाँ पे क्या हो गया वन प्लस टेंजेंट अल्फा टू टेंजेंट अल्फा वन, ये मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखना तो टेंजेंट अल्फा वन है उसकी वैल्यू क्या है एम वन, अल्फा टू की वैल्यू क्या है एम टू, तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस अल्फा टू अल्फा वन, तो क्या बोल दो एम टू एम वन, आप इसका एम वन एम टू भी बोल सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब एक बात समझना, टेंजेंट थीटा की वैल्यू मेरे किस फॉर्म में आ गई, स्लोप फॉर्म में, यानी मैं लाइन की स्लोप निकालूंगा यहाँ पे पुट कर दूंगा और थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये बात है कि मान लो ये वैल्यू आ गई वन, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू कितनी आ गई मेरे पास वन, तो थीटा क्या हो गया मेरा टेंजेंट, ये उधर इधर उधर जाकर क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वन, और वन किस पे होता है ये 45 डिग्री पे, तो ये वैल्यू ऐसे भी होता है। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि थीटा 45 होता तब भी वन होता है। अगर मान लो यहाँ पे कोई और वैल्यू होगी, इस तरीके से वैल्यू होगी कि यहाँ पे वैल्यू आ जाती है मान लो 4/5, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, थीटा क्या हो जाएगा उधर जाके आपको टेंजेंट इनवर्स लगा देना और ये 4/5, इनवर्स क्या होता है इसको भी हम ट्रिग्नोमेट्री में जानेंगे। इतनी सी बात क्लियर है आपको। अब आप एक बात समझनी है भाई, ये टेंजेंट थीटा एम टू माइनस एम वन ओपन वन प्लस एम वन एम टू है, और हमने यहाँ पे एक बात और लिखनी है कि ये जो वन प्लस एम टू एम वन है ये क्या होना चाहिए जीरो, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई, बात आई समझ में। तो ये प्रोवाइडेड कंडीशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अरे इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्या निकाला है थीटा, ठीक है। अगर मैं दूसरे एंगल की बात करूँ, जो ये मैं साफ करूँ इधर वाला, जो मेरा दूसरा एंगल था, दूसरा एंगल मैंने आप लोगों को क्या बात बोला था, बस कुछ थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ, वो सिचुएशन भी आपको समझनी है कैसे होगा। अगर वो फाई की बात करेगा तो फाई जो है, ठीक है, वो क्या होता है 180 माइनस थीटा, ठीक है भाई। अगर मैं टेंजेंट फाई निकालू और टेंजेंट फाई मेरा 180 माइनस थीटा है, तो टेंजेंट 180 माइनस थीटा तो मेरा ये हो गया, फॉर्मूला तो मेरा वही है एम टू माइनस एम वन वन प्लस एम टू एम वन, ठीक है भाई। एंगल दूसरे की बात करूंगा तो वैसे ही निकालूंगा। अब टेंजेंट 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, जीरो से नब्बे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है, 180 वैल्यू चेंज नहीं होती, तो माइनस टेंजेंट थीटा, तो ये क्या होगा एम टू माइनस एम वन वन प्लस एम टू एम वन। अगर उधर लेके जाओगे तो सॉरी टेंजेंट
देखिए जरा, मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, टेंजेंट फाई, और मैंने फिर से लिख दिया इसको, या थोड़ा सा गलत हो गया, थीटा प्लस फाई तो मेरा 180 था, तो फाई जो थीटा है मेरा, बेसिकली मैं 180 माइनस फाई लिख सकता हूँ, मुझे फाई लिखना था, तो थीटा की जगह मैं पुट कर दूँ क्या भाई, 180 माइनस फाई, तो टेंजेंट 180 माइनस फाई, अब वो हो जाएगा एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम टू एम वन, ठीक है भाई। ये थीटा की जगह यही फॉर्मूला लगे ना, टेंजेंट थीटा, यहाँ पर मैंने टेंजेंट थीटा की जगह क्या रख दिया, 180 माइनस फाई, अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस टेंजेंट फाई हो जाएगा, और ये तो वही है एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम टू एम वन, ठीक है। अगर मैं यहाँ से फाई ये माइनस उधर ले जाता हूँ, तो जो टेंजेंट फाई होगा तो माइनस इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम वन माइनस एम टू, वन प्लस एम टू एम वन, ठीक है भाई। साइन होगा इधर जाएगा तो माइनस को प्लस, और प्लस हो क्या कर देगा माइनस। अब थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है, टेंजेंट थीटा है तो एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम वन एम टू, और टेंजेंट फाई है एम वन माइनस एम टू, वन प्लस एम वन एम टू, ठीक है। तो बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और केस बना के ना मैं एक ही फॉर्मूला ध्यान रखूंगा, दूसरा मैं अपने आप एंगल निकाल लूंगा। मैं आशा करता हूँ इतनी सी बात आपको डेरिवेशन समझ में आएगा, दो लाइंस बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक आइडेंटिटी यूज की है टेंजेंट ए माइनस बी की बस, ठीक है। और टेंजेंट थीटा आ गया, थीटा प्लस फाई 180 था, क्यों 180 था मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे अगर ये थीटा है ये फाई है तो ये दोनों का सम कितना है 180, तो थीटा की वैल्यू 180 माइनस क्या आ गया फाई, हमारे यहाँ पे 180 माइनस फाई रख दिया, और बाकी यहाँ से क्या कर लिया कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। बताइए समझ में। अब जरा देखिए इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख रहा हूँ, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, अब मेरे पास दो चीजें आई हैं, मेरे पास आया टेंजेंट थीटा, यह आया मेरे पास एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम वन एम टू लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, और टेंजेंट फाई मेरे पास आया है एम टू माइनस एम वन माइनस एम टू, वन प्लस एम वन एम टू। अब आपकी एक बात समझ लीजिए जरा, कि आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना, किसका, टेंजेंट थीटा का, ठीक है। टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला ध्यान रखना, तो फर्क क्या है भाई, एम टू माइनस एम वन, एम वन माइनस एम टू, सिर्फ वो नेगेटिव साइन ही चेंज होगा भाई, टू माइनस थ्री हो गया या थ्री माइनस टू होगा, ये तो प्लस वन आएगा या माइनस का वन आएगा। तो मैं कहता हूँ ये झंझट ही मैं खत्म कर देता हूँ, मैं कहता हूँ आप फॉर्मूला ये ध्यान रखिए कि टेंजेंट थीटा एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम वन एम टू, और इसमें मैं लगा देता हूँ मोड, ठीक है भाई, क्या लगा देता हूँ उस पर मोड। अब यहाँ से एक बात समझनी है, कि जहाँ मोड लगाने से क्या बात आएगी, यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा थीटा जो भी आएगा, और फाई क्या होगा आप उसको 180 में से क्या कर लेंगे, सीधा माइनस कर लेंगे बस, और किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता भाई, यहाँ पे आपको कैसे सोचना पड़ता, कि अगर आप सिर्फ टेंजेंट थीटा निकालेंगे, अगर मान लो वो क्या आ जाता है पॉजिटिव, तो फाई क्या आएगा, और टेंजेंट थीटा पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव किस में रहेगा, टेंजेंट पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो वो अक्यूट एंगल रहेगा, तो फाई क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये अक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, फाई क्या हो जाएगा अक्यूट। ये बहुत झंझट सा हो गया है, तो ये झंझट को आपने ना सोचना ही नहीं है, आपने सिर्फ एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम वन एम टू लगाना है, ऊपर क्या लगा देना है मोड, जो भी वैल्यू आएगी वो थीटा की होगी, और फाई क्या हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि वह वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, जैसे भी दे रहा है, ठीक है। अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, दो बात की है मैंने बीच में, अक्यूट एंगल वो होता है जो जीरो से, जो 90 से क्या होता है कम होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है जो 90 से क्या होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो यानी आपको क्या करना है, आपको बेसिकली क्या करना है, आपको जो दो लाइन मिली है स्लोप निकालनी है, अब तो कुछ फर्क ही नहीं रहा एम टू माइनस एम वन को, रहा एम वन को क्या करना है मोड करना है, और फिर अगर फाई पूछे तो 180 माइनस थीटा कर देना, ठीक है। चलिए और स्लोप निकालना मैंने आपको सिखाई दिया है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी का एग्जांपल है भाई, उसको मैं उठा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिए क्या है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज पाई बाय फोर, is pi by 4 and slope of one of the line and
स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन देखिए, एक बार ट्राई करिए आप लोग। तो एंगल भी कितना दे रखा है, पाई बाई टू, यानी थीटा की वैल्यू क्या है मेरी, पाई बाई फोर है। और मुझे पता है कि टेंजेंट थीटा जो है वो क्या होता है भाई, एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम वन एम टू। अब आप मान लो कुछ भी, आप कह दो कि जो एम वन है आपका, कर लो भी एम वन मान लो, इसलिए अब आपकी क्या है एम वन है, तो एम वन मान लो 1/2, तो एम टू को आप एम ही मान लो, पुट कर दो यहाँ पे। टेंजेंट थीटा टेंजेंट क्या हो गया, पाई बाई फोर, और ये हो गया आपका एम वन कितना हो गया, ये तो एम हो गया, ये 1/2 हो गया, और 1 + 1/2 ऑफ एम, ये आपका आ गया। ठीक है, और टेंजेंट पाई बाई फोर, पाई 180 मान लो, 180/4 45, 180 बटे 45, और टेंजेंट 45 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू है ये 1/2, 1 + 1/2 ऑफ एम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये उधर के उधर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 + 1/2 ऑफ एम, और ये क्या एम माइनस के 1/2। ठीक है, 1/2 को इधर ले आओ, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3/2, और ये उधर जाके माइनस, तो क्या हो गया एम बाई टू। तो 2 को इधर ले आओ, जो एम की वैल्यू आएगी वो देखिए क्या आएगी, एम की वैल्यू 3/2 मल्टीप्लाई में 2 ऊपर चला गया, दूसरी लाइन की जो स्लोप आ गई वो कितनी आएगी आपकी, 3 आ गई। ठीक है, अब एक बात समझिए जरा, अब यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, मोड लगाया है। एक तो आपका एम कितना आ गया 1/3, अब मोड में क्या है, अब ये वैल्यू 1 थी तो ये वाली माइनस 1 भी तो सकती है, और माइनस 1 होगा तभी तो क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। ये बात भी आपको समझनी है। दूसरी चीज जो यहाँ से है भाई, एक बार तो आपने बोल दिया कि भाई ठीक है भाई यहाँ पे तो देखना, अब कौन सा आगे कौन सा पीछे हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है भाई। वैल्यू जो भी आएगी मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मोड लगा के माइनस को पॉजिटिव किया, जरूरी थोड़ी है वो नेगेटिव भी हो सकती है वैल्यू। तो आपको दोनों बातें समझनी है, वो थीटा और फाई वाला कंसेप्ट है। ठीक है भाई, एंगल थीटा लिया या फाई लिया हमें क्या पता, भाई जो एंगल पाई बाय फोर है या थीटा है कि फाई है, तो एम की दो वैल्यू पॉसिबल है। और दो वैल्यू पॉसिबल कैसे हैं कि एक बार तो भाई देखो मोड है, यहाँ पे 1 आया तो प्लस 1 भी 1 होता है और माइनस 1 भी क्या होता है 1। तो मेरा एक बार फर्ज बनता है भाई ये एम 1/3 आया, तो मैं क्या करूँ कि मैं एक बार माइनस 1 भी लेके देखूँ भाई, टेंजेंट पाई फोर क्या माइनस 1, माइनस 1 है तो ये माइनस 1/2, 1 + 1/2 ऑफ क्या आ जाएगा एम। अभी इसको इधर लाओ, ये माइनस का 1 माइनस 1/2 है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गई, एम की वैल्यू कितनी होगी माइनस 1/2। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करो, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा इसको हो जाएगा माइनस का, तो सॉरी ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, अरे बात है समझ में। तो कैलकुलेशन करो यहाँ से, तो ये इधर ऐड होगा माइनस 1 माइनस के क्या हो गया 1 + 1/2, और ये उधर जाके एम प्लस 1/2 ऑफ क्या होगा एम। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 1 + 1/2, तो माइनस का 1/2 तो मेरे यहाँ से बचेगा, और ये हो गया 3/2 ऑफ एम। अब 2 से 2 गया, एम ये 3 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 1/3 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास दो वैल्यू आएंगी, एक तो एम की वैल्यू 3 और एक एम की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/3। ठीक है, ये दोनों को आपको समझना बहुत अच्छे से, क्लियर है बात। तो आपको ये माइनस वन वाला कंसेप्ट भी देखना, ऑप्शन देखना आपने कि अगर एक वैल्यू दी है क्या पता 3 मिल जाए वहाँ पे, क्या पता 3 ना मिले, तो फिर आपको माइनस वन वाला माइनस वन लेके चलना पड़ेगा। माइनस वन मैंने क्यों लिया है, क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से समझिए कि भाई ये जो 1 आया है पाई बाय 4, ये मोड है। ठीक है, मोड में माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो हमें पता नहीं है कि ये भी प्लस वाला देगा या माइनस वाला देगा। मैंने थीटा को पाई बाय 4 माना है, ये पाई बाय 4 क्या हो सकता है, ये फाई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, दोनों आस्पेक्ट्स को आपको देखना पड़ेगा, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन, और आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, क्वेश्चन अगर जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार और आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
एक क्वेश्चन और देखिए आप यहाँ से एंगल निकालने का, वो भी देख लो। लाइन थ्रू द पॉइंट्स, लाइन थ्रू द पॉइंट्स, लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2 and 6 एंड 4 and 8, -2 and 6 एंड 4 and 8 इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द लाइन, टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, थ्रू द पॉइंट्स 8 and 12 एंड x and 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए जरा, तो अब दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है 90। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये दोनों लाइन है वो एक दूसरे के साथ कितने एंगल बना रही है 90 डिग्री का। भाई मान लो ये स्लोप है, इसकी एम वन है, इसकी क्या है एम टू, और ये 90 एंगल बना रही है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं या जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती है समांतर होती है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है, एम वन इजिकल्स टू एम टू, ठीक है। और जब दो लाइन क्या होती है परपेंडिकुलर होती हैं, क्या होती हैं परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है -1। ये मैंने डिराइव करके आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब लास्ट वीडियो खोल कर देख लेना जो इस वीडियो शुरू कर रहा है। तो m1 m2 -1 है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे m1 निकालना और m2 निकालना, उनका प्रोडक्ट क्या करना है -1 करना है, ठीक है। आपको पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, ठीक है। और वो भी हम उसको सीख सकते हैं कैसे, क्यों कैसे आया था ये, अगर उससे सीखना है। भाई टेंजेंट 90 है, ठीक है, ये होगा जो वैल्यू रहेगी m2 - m1, 1 + m1 m2 ये रहेगी, ठीक है। अब जो 90 होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ इन्फिनिटी कब होती है, जब उसकी नीचे वाली वैल्यू क्या होती है 0। कोई भी चीज़ इन्फिनिटी क्या होती है, जब नीचे वाली वैल्यू क्या होती है 0। तो आप इसको नीचे वाली वैल्यू को 0 करोगे तो भी जो आपका m1 m2 वो भी क्या आएगा -1 आएगा। लेकिन ये इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट पहले से पता है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से समझ लो कि आपको, कुछ लोग बोलेंगे कि सर इन्फिनिटी आ गया इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, अरे भाई इन्फिनिटी कैसे बनता है वो भी समझना चाहिए। इन्फिनिटी ऐसे नहीं मुंह उठा के कब आप यहाँ इसको इधर मल्टीप्लाई करने में लग जाएं, आपको बात समझना है यहाँ पे इन्फिनिटी कब बन सकता है भाई, जब यहाँ पे बटे में 0 होगा। आपको एक बात पता है कि कोई भी नंबर है मतलब 1 है उसके बटे में 0 होता है तो वो इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी के लिए नीचे वाली वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। अब नीचे वाली वैल्यू 0 का करूंगा तो m1 m2 की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। तो एक कंडीशन आपको मैथ को थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझना है, अरे क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो तो स्लोप आपको दो पॉइंट दिया, स्लोप तो मैंने निकालना सिखाया, जब भी दो पॉइंट दिए हो तो स्लोप क्या होता है y2 - y1 / x2 क्या होता है x1। तो पहले इनका ले लो स्लोप, ठीक है। मान लो ये दो पॉइंट है तो यहाँ से मेरा जो इसका स्लोप आ गया तो ये x1 y1 x2 y2, तो उसका स्लोप हो गया y2 - y1 8 - 6 और नीचे वाले का स्लोप 4 माइनस करूँगा तो प्लस का 2, 2/4 = 6 कितना आ गया 1/3। दूसरा स्लोप है, दूसरे दो पॉइंट आपके पास हैं ये x1 y1 और x2 y2, तो दूसरे स्लोप y2 - y1 24 - 12 कितना आ गया 12 और 8 x2 - x1 तो 8 - 6 कितना आ गया x। बस दोनों का प्रोडक्ट क्या कर दो -1 कर दो, दोनों का प्रोडक्ट आप -1 करोगे तो m1 कितना है 1/3 और दूसरा आपका कितना है 12 / 8 - x कितना होगा -1, ये 3 × 12। कैलकुलेट करोगे तो उधर ले जाओ इसको 4, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -+ हो जाएगा, +−8 + x तो इधर आ गया 8 और 4 कितना हो गया, इधर आ गया प्लस, तो 4 + 8 जो वैल्यू मिलेगी आपको कितनी मिलेगी 12 मिलेगी, ठीक है। अभी बात कर सकते हैं क्वेश्चन, कुछ गलती तो नहीं कर दी, अरे ठीक
ये माइनस का एट प्लस का एक्स, ओह सॉरी 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 एक गलती कर दिया, जरा ध्यान से देखना है, सॉरी 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 क्या गलती करी है वो देखिए। ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है आपने, मैंने वाई टू माइनस वाई वाई वन किया तो 24 में से क्या घटाया 12, एक्स टू आपका एक्स है और ये क्या आपका 8, तो 8 माइनस एक्स नहीं एक्स माइनस 8 आएगा, सॉरी माई मिस्टेक। तो ज़रा देखना अभी फिर से कर लो, कोई बात नहीं, एम वन माइनस एम टू 1/3, वो मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था इसलिए मैंने बाद में ध्यान दिया। तो ये हो गया आपका माइनस 1, तो ये हो गया 4, तो 4 ये उधर जाएगा माइनस एक्स प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे एक्स की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है। ये इधर ले आओ माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, हो जाता कभी कभी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट सीखते हैं। अगला देखिए भाई, अगली एक और कंसेप्ट हमने पहले भी पढ़ा, अभी भी हम जान रहे हैं उसको, हम जानते हैं भाई, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, इसकी इस कंसेप्ट को भी समझना है। पहले मैंने इसको डिस्टेंस फॉर्मूले समझा था, डिस्टेंस फॉर्मूले मैंने कोलिनियरिटी कंसेप्ट बताया था, लेकिन एक और चीज़ है बार हम कोलिनियरिटी का कंसेप्ट समझेंगे। कोलिनियरिटी मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली, कि भाई अगर आपके पास दो लाइन है भाई, मान लो ये दो लाइन है, ठीक है, तो दो लाइन पैरेलल है, तो दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को उठा के भी इस लाइन के ऊपर ले आता हूँ, अब इस लाइन को उठा के भी इस लाइन के ऊपर लेके आऊँगा तो क्या बनेगा भाई। एक और लाइन मान लो ये लाइन जा रही थी, अब एक और लाइन है भाई जो इसके ही कहाँ आ गई है, ऊपर आ गई है, ठीक है, एक और लाइन इसके ऊपर आ गई, ऐसे कर दो, ठीक है। अब जो ये लाइन सेम ही है तो स्लोप क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी, स्लोप सेम रहेगी। तो बेसिकली अगर इसमें तीन पॉइंट है कोई भी, मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है कहीं भी, ठीक है। अब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है सी, तो एक ही लाइन में तो तीनों की स्लोप क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो स्लोप, अगर मैं इस सेगमेंट की स्लोप लूँ, इस लाइन की स्लोप, या फिर मैं अगर मैं इसकी स्लोप लूँ या मैं इसकी स्लोप लूँ, वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी थ्री पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या रहेगा, स्लोप ऑफ ए बी जो है इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, अभी बात है। और मैंने वैसे भी रिलेशन में एक चीज़ बताई है, रिलेशन जो मैंने वेबसाइट में मेरी जो वीडियो चल रही है उसे मैंने ना एक रिलेशन का क्वेश्चन करा था पैरल लाइंस का, और मैंने बोला था हर लाइन खुद के पैरल होती है, ठीक है। तो वही बात समझ लो, ये लाइन एक ही लाइन मान लो खुद के पैरल कर लो, या कोई लाइन इसके ऊपर उठा के रख दो तो सेम लाइन बन जाएगी, स्लोप क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्लोप सेम रहेगी तो स्लोप ऑफ ए बी ले लो, स्लोप ऑफ बी सी वो क्या रहेगी, क्योंकि एक ही लाइन है भाई, यहाँ पे कट कर दो तो यहाँ से बड़ा 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 के मैं एंगल तो क्या बनाऊंगा, वही बना दूंगा पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ, तो ये तो अल्फा ही रहेगा, तो स्लोप क्या रहेगी, सेम। तो आपको क्या करना, अगर थ्री पॉइंट्स दिए हैं, कोलिनियरिटी का आपके पास कंसेप्ट है, तो कुछ नहीं करना, पहले दो पॉइंट का स्लोप और लास्ट वाले दो पॉइंट का स्लोप, या पहले और तीसरे का स्लोप कैसे भी निकाल लो भाई, स्लोप क्या होना चाहिए, सेम। तो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन देखिए, थ्री पॉइंट्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मैं जितने भी प्रॉब्लम है सारी एनसीईआरटी से उठा रहा हूँ। थ्री पॉइंट्स पी एच के क्यू एक्स वन वाई वन एंड आर एक्स टू वाई टू, आर एक्स टू वाई टू लाई ऑन ए लाइन शो दैट एच माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन इजिकल्स टू k माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये शो करना, ठीक है। एनसीईआरटी का वहाँ पे शो वाले भी ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, आपको इजीली आपका कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक बात समझनी है आपको कि थ्री पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, एक ही रेखा पे हैं, तो सर एक है ये कह सकते हैं,
या कहें तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है, तो पॉइंट क्या है? कोलिनियर। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो जो पी क्यू का स्लोप है, आप सोल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल होगा किसके भाई, स्लोप ऑफ क्यू आर के। ठीक है भाई, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। तो निकालिए आप पी क्यू का स्लोप, तो क्या हो जाएगा भाई, करिए करिए, जैसे आप इसको निकालेंगे क्या आएगा, आपकी मर्जी, आप इसको आगे पीछे भी अरेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कर लो अरेंज, करो निकालो स्लोप। किया ट्राई, देखना भाई, अरे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो y1 माइनस k अपॉन x1 माइनस h, और qr का क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस k, क्या हो जाएगा x1। ठीक है, बात ही समझ में। तो बस क्या है फिर, अब क्या करना है, अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे देखा ना y1 माइनस k, ये क्या हो गया x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या हो गया y2 माइनस y1, और यहाँ पे क्या हो गया x1 माइनस k h। अब यहाँ पे आप तो देखोगे लेकिन h माइनस x1 और k माइनस y1 है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, इसमें से माइनस बाहर निकाल लो, इसमें से माइनस बाहर निकाले तो माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा, इसको ऐसे कैसे रहने दो, इसमें से माइनस इसमें से माइनस बाहर निकाल लो तो माइनस लिखोगे एच माइनस एक्स वन, इसको भी ऐसा कैसा रहने दो, माइनस बाहर निकालने का मतलब है जो प्लस की चीज माइनस हो जाती है और माइनस की चीज प्लस, तो माइनस से माइनस क्या आ जाएगा, कट जाएगा और आपकी चीज़ क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो जनरल सा क्वेश्चन है, वैसे भी थ्री पॉइंट्स दे देंगे, टू थ्री फाइव सेवन और नाइन एक्स कुछ भी, और बोल लेंगे कोलिनियर है, एक्स की वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं है, दो लाइन का स्लोप, दो पॉइंट का स्लोप, और फिर दो पॉइंट का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल कर दो आप। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, लाइन सेगमेंट बना लो भाई, एक लाइन सेगमेंट पी क्यू है, दूसरा क्यू आर है, सेम स्लोप लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, आगे बात करते हैं, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए भाई। अभी तक बेसिकली हमने क्या किया है, हमने पॉइंट्स के बारे में जाना है, पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, हमने स्लोप निकाला है, उसके लाइन हमने निकाल, लाइन के स्लोप हमने निकाल लिया है। अब बेसिकली अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन की। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, तो आप हेडिंग कर लिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन। तो एक बात आपको ज़रा समझनी है भाई, ठीक है, कि मान लो आपके पास कोई भी एक लाइन आपकी, कोई भी एक आप पॉइंट खींच लो भाई, मैंने बोला भाई कोई पॉइंट है, ठीक है, पी, ये कोई भी पॉइंट एक्स वाई है। ठीक है, अब ये पॉइंट यहाँ पे, कोई पॉइंट एक्स वाई ले लो, एक्स नोट वाई नोट ले लो, कुछ भी लो, ठीक है, तो ये पॉइंट एक्स वाई है, तो मुझे कैसे पता लगेगा भाई कोई पॉइंट है, तो किसी ना किसी लाइन पर जरूर होगा, कोई ना कोई जो लाइन है इस पॉइंट से गुजर रही होगी। ठीक है, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई जो ये पॉइंट है इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ मुझे अलजेब्रिक इक्वेशन ऐसे ड्राइव करनी पड़ेगी जो ये शो करेगी कि भाई ये पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर है, और जो पॉइंट उस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन जो होती है वो मैंने अभी निकालनी है। ठीक है, अभी वो ये बताएगी यार कौन कौन से पॉइंट किस किस लाइन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इक्वेशन वहां से ड्राइव करेंगे, तो उसके बारे में पहले जनरल बात कर लेते हैं, जनरल चीज़ें हम क्या करते हैं, जनरल चीज़ें सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो बेसिकली मेरे पास दो तरह की बात है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूँ, मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास नेगेटिव, ये पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, इसके मतलब काम नहीं चलता भाई। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एक कोई भी मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो इस तरीके की होती है,
हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मेरे पास एक्स एक्सिस से मान लो ए डिस्टेंस पे, अभी ए डिस्टेंस से ऊपर भी हो सकता है और ए डिस्टेंस जो है वो क्या हो सकता है, वो मान लो नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ए डिस्टेंस क्या है, वो ऊपर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वो नीचे भी हो सकता है। तो क्या बोलेंगे भैया, इतनी बात समझ में आई? अब मैं बोलूंगी कोई भी मेरी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से ए दूरी पे है, तो मैं ये बोलूंगा कि जो एक्स एक्सिस से ए दूरी पे है तो किस पे पड़ रहा है, वाई पे पड़ रहा है, और वाई पे पड़ रहा है तो वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो मैं ये बोलूंगा कि जो अगर वाई एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पे है तो उस लाइन पे ऑर्डिनेट लाई करता है, ठीक है। ऑर्डिनेट ऑफ दैट, ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट लाई ऑन दैट लाइन, उस पॉइंट का ऑर्डिनेट जो है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये क्या बढ़ रहा है भाई, ए बढ़ रहा है, और ये ए किस पे बढ़ रहा है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ पे एक बात और बोलूंगा, अगर आप एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पे है तो ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट लाई ऑन दैट लाइन, ठीक है, ऑर्डिनेट बिंदु पर लाई करेगा, ऑर्डिनेट बिंदु लाई, एक्स तो मेरा क्या है, जीरो, तो सिर्फ क्या होगा, ये क्या होगा ए, यानी वाई इजिकल्स टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या होगी ए, और वाई की वैल्यू ए है तो यही उसकी क्या है इक्वेशन है। अब ऊपर है तो पॉजिटिव ले लूंगा, और नीचे है तो ये क्या है, जीरो माइनस ए, तो जो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस ए है, यानी इस लाइन की अगर मैं इक्वेशन निकालूँ तो ये क्या है, वाई इजिकल्स टू ए, ये क्या है, वाई इजिकल्स टू माइनस ए। इतनी बात आपको समझ में आई भाई, यानी वाई यहाँ पे जितना डिस्टेंस बढ़ रहा हूँ किससे बढ़ रहा हूँ, वाई एक्सिस में बढ़ रहा हूँ, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा क्या है, जीरो जीरो है, तो ऊपर वाई पे बढ़ रहा हूँ तो एक्स पे तो कुछ जा ही नहीं रहा, एक्स तो जीरो ही है, तो वाई की वैल्यू क्या है, ए। अच्छा मैं अगर मैं, इतनी बात आपको समझ में आई। अब दूसरी बात, दूसरा भाई पॉइंट आप साथ साथ बस देख लो उसको कैसे हुआ, थोड़ा सा इधर तो कर रहा हूँ। अब मान लो मेरे पास वर्टिकल लाइन्स है, वर्टिकल लाइन्स क्या है, वो वर्टिकल लाइन्स जो है वो, ये मेरा वाई है और ये मेरा एक्स है, वाई और एक्स, ठीक है। तो मान लो कि कोई लाइन वर्टिकल लाइन है जो वाई एक्सिस से किस डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है, तो इधर भी हो सकती है, ठीक है, ए डिस्टेंस पे। अगर ए डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस से, तो मैं बोलूंगा आभासी से जो एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो इस बिंदु पर लाई करेगा, क्योंकि किससे पास करेगी, कोई भी बिंदु मान लो भाई ए जीरो से पास कर रही है, ठीक है, ये ए जीरो से पास कर रही है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ए, यानी इस लाइन की इक्वेशन कितनी, एक्स इजिकल्स टू ए, ये माइनस ए जीरो से पास कर रही है, इसकी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस, इस लाइन की इक्वेशन में यहाँ से निकाल दूंगा, ठीक है भाई, एक्स इधर ले जाओ तो माइनस ए इक्वल टू जीरो, या एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, बात आई समझ में? तो आप एक बात समझिए, अगर वाई एक्सिस पे बढ़ रहा है तो वाई इक्वल टू ए, एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है तो एक्स इक्वल टू ए, पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है, यहाँ पे क्या लेफ्ट है कि राइट है, उस बारे में बात कर लेंगे। अब एक बात समझना, अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मेरी लाइन है, ये लाइन मेरा एक्स एक्सिस है, अभी एक्स एक्सिस पे मान लो मैं इधर बढ़ रहा हूँ, ठीक है, एक्सिस पे कहाँ बढ़ रहा हूँ मैं, इधर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब इधर बढ़ रहा हूँ तो वाई तो मेरा चेंज नहीं हो रहा है, इसको मान लो, ठीक है भाई, मान लो मैं इधर बढ़ रहा हूँ, इधर बढ़ा भाई देखो, मान लो इधर बढ़ा तो यहाँ पे मेरा वाई तो क्या चेंज हो ही नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, मेरा एक्स चेंज हो रहा है, भाई मैं और यहाँ जाऊँगा या यहाँ जाऊँगा या यहाँ जाऊँगा, तो ये जो लाइन है आपकी जहाँ पे वाई बढ़ ही नहीं रहा, सिर्फ क्या बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई इजिकल्स टू जीरो, क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये लाइन क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर ही है, ठीक है। अब मैं सिर्फ कहाँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यानी आपको बोले इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो वो क्या होती है, वाई इजिकल्स टू जीरो। अगर मैं बोलूँ सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यू तो है ही नहीं, तो यहाँ पे इसी की लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो क्या हो जाएगी आपकी, एक्स इजिकल्स टू जीरो। आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको बोले इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो वो क्या होती है, वाई इजिकल्स टू जीरो, अगर आपको बोले इक्वेशन ऑफ y एक्सिस तो वहां पे कौन जीरो होता है, x, तो x इक्वल्स टू जीरो। आपको ये याद करने की भी जरूरत नहीं है भाई, आपको x एक्सिस बात कर रहा है तो y पे नहीं बढ़ रहा तो y जीरो होगा, y एक्सिस की बात कर रहा है तो x पे नहीं बढ़ रहा तो x क्या होगा, जीरो। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल है तो मैं किस पे बढ़ रहा हूँ, y पे, तो y की वैल्यू जो भी जितना भी डिस्टेंस में ट्रैवल करूंगा, नीचे जा रहा हूँ तो माइनस से जितना भी नेगेटिव में ट्रैवल करूंगा। अगर आपको बोल रहा है कि भाई x एक्सिस के पैरेलल कोई है, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल कोई है, तो y एक्सिस पे के पैरेलल है तो y एक्सिस पैरेलल यहाँ जाऊंगा, तो मैं किस पे बढ़ रहा हूँ, ये इधर लाइन खींचे किस पे बढ़ रहा हूँ, x पे बढ़ रहा हूँ, इधर लाइन खींचे किस पे बढ़ रहा हूँ, नेगेटिव में x पे बढ़ रहा हूँ। तो अगर मैं इधर बढ़ाऊँ तो ये कितना डिस्टेंस बढ़ाऊँ, a डिस्टेंस बढ़ाऊँ तो x इक्वल्स टू a, इधर बढ़ाऊँ माइनस a तो x इक्वल्स टू माइनस a, ठीक है।
तो ध्यान रखना है x एक्सिस की y जीरो, y एक्सिस की x जीरो, x एक्सिस के पैरेलल y पे, तो y इक्वल्स टू a, y एक्सिस के पैरेलल x पे, तो पैरेलल बोले तो आप लाइन खींच के देखना कि डिस्टेंस किस पे बड़ा है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा x इक्वल्स टू a। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन निकालना सिखाऊंगा कि किस लाइन के अकॉर्डिंग किस पॉइंट की रिफ्लेक्शन कैसे निकालेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वो रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट को समझ में नहीं आएगा। और एसएससी में 2017 में रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन आया, 2018 में भी रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन आया, तो आपको उसको देखना है। क्लियर है इतनी सी बात? भाई देख लो यार, वाई पे बढ़ा हुआ तो एक्स जीरो ही रहेगा यार, एक्स पे, यहाँ पे एक्स पे बढ़ रहा तो वाई जीरो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको डायग्राम थोड़ा दिमाग में है तो ईजिली आपकी बात बन जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते, ये तो जनरल मैंने छोटी सी बात करी है, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। एक क्वेश्चन देख लो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, जितना मैंने पढ़ाया अभी तक एनसीईआरटी में है तो लिखना पड़ेगा। बस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, एंड पासिंग थ्रू माइनस टू एंड थ्री, पासिंग थ्रू माइनस टू एंड थ्री। भाई इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ज्यादा लाइनों की इक्वेशन निकालनी है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं, दोनों के, ठीक है, तो मेरे साथ दो लाइनें हैं, दोनों एक्सिस के पैरेलल हैं, पहले पॉइंट प्लॉट करो, भाई एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस टू, एंड मान लो कि ये टू है और वाई पे मैं गया हूँ थ्री, ठीक है। अब यहाँ से कोई लाइन है तो एक लाइन तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, और एक लाइन ये पैरेलल टू क्या हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है, तो मान लो ये लाइन आपकी एल वन है और ये लाइन आपकी क्या है एल टू, तो एल वन की इक्वेशन क्या होगी, एल वन की इक्वेशन क्या होगी, तो मैं किस पर बढ़ रहा हूँ भाई, एक्स एक्सिस पर बढ़ रहा हूँ, कितना माइनस टू, तो यहाँ पे क्या होगी x की वैल्यू कितनी होगी माइनस टू, या x प्लस टू इजिकल्स टू जीरो। अब यहाँ पे l2 लाइन तो ये y पे बढ़ रहा हूँ, y पे वो कितना बढ़ रहा हूँ भाई, कितना डिस्टेंस है y की वैल्यू थ्री, ठीक है, तो ये क्या कितना बढ़ रहा हूँ, अब पॉजिटिव है तो y इजिकल्स टू, l2 की इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, l2 की इक्वेशन y इजिकल्स टू थ्री, तो y माइनस थ्री इजिकल्स टू क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। देख लेना भाई, y के लिए ये बढ़ा और x के लिए इस लाइन के लिए इधर बढ़ा, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो मैंने अभी थोड़ा सिखाया उस पर मैंने बात करी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालनी थी दोनों एक्सिस के पैरेलल, तो ये आ गई मेरी, ठीक है, एल वन थी मेरी जो वाई एक्सिस के पैरेलल थी, एल टू जो मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, ठीक है, एक्स एक्सिस पैरेलल वाई पे बढ़ूंगा, वाई एक्सिस पैरेलल एक्स पे बढ़ूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है क्वेश्चन की, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, तो बात समझनी है कैसे इसको ड्राइव करेंगे। पहले जो अलग अलग तरह की क्वेश्चंस के नाम आप, ठीक है, तो मान लो मेरे पास कोई भी लाइन दे रखी है, ठीक है, कोई भी लाइन दे रखी है, और ये ना किस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट ले लिया मैंने कोई भी पी नोड, इसकी वैल्यू ले ली एक्स नोड और वाई नोड, ठीक है, तो अब ये मेरी लाइन है, इस पे ये पॉइंट है, इसमें मान लो मैंने कोई जनरल पॉइंट एक और मैंने मान लिया अभी जिस पे ये लाई कर रही है, वो मैंने ले लिया एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, तो इतनी बात समझ में आई। मैं कोई लाइन के मैंने इक्वेशन निकाल लिया उस पे, और वो लाइन ना पॉइंट स्लो फॉर्म में, यानी एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, और एक पॉइंट मिलेगा, और उस लाइन की क्या मिलेगी, पॉइंट स्लो फॉर्म का मतलब है एक पॉइंट दे देगा और वो क्या दे देगा, एक स्लोप दे देगा, ठीक है। पॉइंट तो मैंने दे दिया पी, ये पी नोड, एक्स नोड वाई नोड, और मैंने यहाँ पे ले लिया क्या एक्स वाई, ठीक है, या आप इसको एक्स वन वाई वन भी बोल सकते हैं, इसको एक्स वाई कैसे मतलब जो आपकी मर्जी, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये है, इस पर एक और पॉइंट मैंने लेट कर लिया, अभी इस पर मान लो एक और पॉइंट मैंने ये था, ठीक है, तो आपकी बात समझ लिया, अब ये लाइन है,
तो लाइन है तो भाई इसकी कोई स्लोप होगी, अगर इसकी स्लोप निकालूँ मैं तो वो क्या होगी भाई, वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो ये ले लेता हूँ मैं पहले वाई माइनस वाई जीरो और एक्स माइनस क्या होगा एक्स जीरो, ठीक है। अगर ऐसी बात करूँ तो इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ तो मेरी जो इक्वेशन है वो तैयार हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी एक्स माइनस एक्स जीरो एम लिखो y माइनस वाई जीरो और ये क्या होगा m x माइनस का क्या होगा x जीरो, ठीक है। तो ये जो मेरी इक्वेशन बनी है इसको बोलते हैं भाई आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा पॉइंट क्या दिया हुआ है, x जीरो और y जीरो, कहने का मतलब अगर आप कोई पॉइंट दिया हो, मान लो ये दिया है मेरे पास टू थ्री पॉइंट दिया है और स्लोप दिया आपके पास मान लो m, तो इक्वेशन क्या होगी तो y माइनस वाई वन ये जो सॉरी थ्री पॉइंट m x माइनस के आपकी इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। अब एम की कोई वैल्यू दूंगा तो एक्स और वाई में इक्वेशन क्या कर दूंगा बना दूंगा, ठीक है। यानी ये जो आपका ये पॉइंट गिवन होगा और ये तो मैंने एक्स वाई लेट किया है, ठीक है। तो गिवन पॉइंट है तो वाई में से वो जो गिवन पॉइंट का वाई है वो निकालना है, माइनस करना है एक्स में से जो गिवन पॉइंट का एक्स है वो माइनस करना हो, क्या हो जाएगा एम। और सिंपल तरीके से आप चलेंगे, आपको स्लोप देगा और एक पॉइंट देगा तो कुछ नहीं करना, पॉइंट देगा तो आप सीधा याद रखिए ये y में से वो y नोट माइनस करना और क्या करना, और अगर वो पॉइंट आपको मान लो ऐसे मान लिया ये पॉइंट आपको दिया हुआ x1 y1 बना तो वो क्या हो जाएगा y माइनस y1 m x माइनस x1, वो मर्जी है वो आपको जो भी पॉइंट दे रहा है, क्लियर है बात। जैसे मैंने आपको ए टू थ्री लेके बता दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये भी आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा भाई उस लाइन की इक्वेशन निकालो जिसकी स्लोप ये है और जिस इस पॉइंट से वो पास कर रही है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन आप यूज करने वाले हैं, ठीक है। बातें समझे, बहुत सिंपल कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है भाई ये मेरे हिसाब से कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन लगा लो या बोर्ड लगा लो यहाँ के क्वेश्चन कोई गलत नहीं करता है, ठीक है। तो आपको भी गलत नहीं करना है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं एक और यहाँ से इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है। एनसीईआरटी में मेंशन है, देखिए जरा भाई, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसे लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू माइनस टू एंड थ्री एंड स्लोप, हैविंग स्लोप लिखना था, having slope minus 4, ठीक है। उस लाइन की क्वेश्चन ज्ञात करो जो माइनस टू थ्री से पास हो रहा है, उसकी स्लोप कितनी है माइनस 4, तो आपको एक पॉइंट दे रखा है और एक स्लोप दे रखी, तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा y, वो क्या होती है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो y y1 कितना दे रखा है माइनस थ्री, एम कितना दे रखा है माइनस फोर और x वो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। अब सोल्व करोगे y माइनस थ्री माइनस फोर एक्स माइनस के एट, तो अरेंज कर लो इसको, उठा के इधर ले आओ, फोर एक्स प्लस वाई माइनस थ्री प्लस एट इजिकल्स टू जीरो, फोर एक्स प्लस वाई प्लस फाइव इजिकल्स टू क्या हो जाएगा जीरो, 4x plus y plus 5 is equals to 0, ठीक है। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन सीधा दिखाई दे रहा है तो आप ऐसे भी मान लो कंपटीशन में बैठे हैं और सारी लाइनें अलग अलग हैं, तो अब ये जो पॉइंट है ना ये क्या है, इस लाइन पे है, अब ये जो पॉइंट है इस लाइन पे है तो ये उस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो आप सेटिस्फाई करवा के देख लो। आप सीधा ही ऑप्शन में मान लो आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है, आपको पता है भाई ये इस पॉइंट से पास हो रही है तो इस पे क्या करेगी वो लाई करेगी, तो x की वैल्यू कितनी है माइनस टू, तो फोर इंटू माइनस टू, y की वैल्यू कितनी है थ्री प्लस फाइव इजिकल्स टू जीरो, ये माइनस एट ये प्लस एट इजिकल्स टू जीरो, जीरो इजिकल्स टू जीरो, तो क्या कर रहा है वो उस पे लाई कर रहा है, तो आप ऐसे सेटिस्फाई करवा के भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये आप सब्जेक्टिव अप्रोच, मान लो आपको दो तीन लाइनें चेक करनी पड़ेगी तो आपको टाइम लग सकता है, तो आप जल्दी से ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज है तो आप भी सारे ऑप्शन आप जल्दी से चेक करके देख सकते हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से बच्चों को बहुत जल्दी पता लग जाता है और वो कंपटीशन में ये वाले मेथड को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब तो ये सिंगल पॉइंट फॉर्म थी, अगली जो है मेरी वो है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म, अब टू पॉइंट फॉर्म मतलब क्या, आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ वो क्या देगा, मान लो आपके पास कोई भी लाइन है जनरल, ठीक है, ये आपके पास कोई लाइन ये जा रही है, ठीक है, अब कोई भी लाइन है तो आपको बोल देगा, मान लो भाई इस पे एक पॉइंट है, ये है पी वन, ये है भाई मान लो एक्स वन और वाई वन, ठीक है, और एक पॉइंट बोल देगा मान लो आपके पास पी टू है, एक्स टू और वाई टू, ठीक है, तो वो दो पॉइंट आपको दे के रखेगा, एक्स टू और वाई टू, एक्स टू और वाई टू। तो मैंने तीसरा पॉइंट वन लेट कर रहे, तो लेट मैंने एक पॉइंट पी मान लिया एक्स और वाई, ठीक है, ये एक्स और वाई में अब उसमें एक्स और वाई तो रहेगा इक्वेशन में, तो मैंने एक पॉइंट मान लिया, तो ये दो पॉइंट पी वन और पी टू आपको गिवन बोलेगा। अभी लेट आपके पास गिवन जो पॉइंट है मैं लिख देता हूँ, गिवन जो है वो है पी वन है एक्स वन और वाई वन, और पी टू है एक्स टू और वाई टू, ठीक है, और पी जो है मैंने लेट कर लिया एक पॉइंट। अब लेट कर लिया तो तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे मान लो ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में, तो आपको सीधी सी बात आपको पता है तीनों पॉइंट एक लाइन में, तो क्या तीनों पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर है तो वाला कंसेप्ट लगा सकता हूँ मैं, बोल दूंगा स्लोप ऑफ ए बी है वो इक्वल होगा किसके, स्लोप ऑफ बी सी के, तो आप इसकी स्लोप निकालिए, स्लोप कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस, तो वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, और ये इन दोनों की स्लोप इक्वल होगा, तो इधर मैंने इसको देखो ए और बी, बी को सेकंड लिया है, अब ये और ये है, तो इसको इसमें से माइनस करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, अच्छा सॉरी इसको इसको मत करो, ये दोनों पॉइंट है ना, इनका स्लोप निकालो, आप ऐसे लिखो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए सी के, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, बात। अब आप क्योंकि आपको दो पॉइंट दे रखा है, उसका स्लोप आपको निकालना पड़ेगा, वहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, वाई माइनस वाई वन, ये क्या होगा वाई टू माइनस वाई वन x2 माइनस एक्स वन, और यहाँ पे क्या आ गया आपका x माइनस एक्स वन, तो इक्वेशन तो तैयार हो गई है, y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, तो इसको जरा थोड़ा सा ओरिजिनलाइज वे में लिख रहा हूँ, y माइनस वाई वन ये है आपका, इसकी वैल्यू क्या थी आपकी m x माइनस एक्स वन, एम क्यों बोला कि जबकि आपके पास दो पॉइंट दे रखे हों कोई भी, मान लो एक पॉइंट ये दे रखा और एक पॉइंट ये दे रखा होता, अगर इसका आपको स्लोप निकालना होता तो वो क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बटे में डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसके वाले मैंने क्या रख दिया एम, तो ये देखना ये पिछली वाली इक्वेशन जैसी नहीं है, वहाँ पर स्लोप दे रखी थी, अब स्लोप निकालनी है, अगर सिंगल पॉइंट देगा तो आपको स्लोप देगा, अगर दो पॉइंट देगा तो आपको स्लोप देने की क्या जरूरत है, दो पॉइंट स्लोप तो आप खुद निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन वही है, बस क्या करना है ये स्लोप ना आपको दो पॉइंट से खुद सोल्व करनी पड़ेगी, बात है समझ में, और स्लोप क्या होगी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो मैं तो कह रहा हूँ ये याद करने की बजाय आप क्या याद करो, आप ये याद करो, ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई स्लोप आपको निकालनी है, दी नहीं है तो वो दो पॉइंट दिए हैं तो वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन तो मैं कर ही लूंगा, बात है समझ में, बहुत ईजिली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तो कहने टू पॉइंट फॉर्म क्यों बोल रहा हूँ और उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों बोला, कि वहाँ पे पॉइंट और एक स्लोप मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट मिलेंगे, तो दो पॉइंट मिलेंगे तो कोई बात नहीं, इक्वेशन वही लगाओ, स्लोप दो पॉइंट से निकाल सकते हैं, एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए जरा, राइट द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the points, passing through the points 1 minus 1 and 3 5, दो पॉइंट दे रखे हैं तो टू पॉइंट फॉर्म लगा देंगे,
2.4 मेरे पास क्या होती है, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। एम की वैल्यू रखेंगे हम कहाँ से, एम की वैल्यू y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो करिए आपके दो पॉइंट गिवन है, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, x2 इसको मान लो y2। तो आप y माइनस वाई वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y2 माइनस वाई वन फाइव माइनस क्या हो गया प्लस, और x2 माइनस थ्री माइनस वन कितना हो गया ये थ्री माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ गया x माइनस के x माइनस वन। ठीक है, y में से माइनस वन घटा पहले से माइनस वन था तो प्लस वन हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई पाँच में से माइनस का एक तो पाँच प्लस एक हो जाएगा, थ्री माइनस एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या वैल्यू होगी, वाई प्लस वन ये होगा पाँच और एक छः, और तीन में से एक गया दो, एक्स माइनस वन ये तीन पे कटा, वाई प्लस वन ये इधर मल्टीप्लाई कर लो थ्री एक्स माइनस के थ्री, इसको उठा के इसको उधर ले जाओ, थ्री एक्स माइनस वाई माइनस थ्री माइनस वन इजिकल्स टू जीरो। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, थ्री एक्स माइनस वाई माइनस फोर इजिकल्स टू जीरो। बात है समझ में, थ्री एक्स माइनस वाई माइनस फोर इजिकल्स टू जीरो, क्लियर है, बात है समझ में। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, अब जो हम जो हमने सीखा, हमने इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस सीखा, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस सीखा। अगर मेरा एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई पे बढ़ रहा है तो y इक्वल्स टू ए, अगर x एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल है तो x पे बढ़ रहा है तो x इक्वल्स टू ए, वो सीखा हमने। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म सीखी हमने, एक पॉइंट और स्लोप देख रखेगा, टू पॉइंट तो कोई बात नहीं, स्लोप नहीं देख रखेगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, स्लोप क्या करेंगे उन दोनों पॉइंट से निकाल लेंगे। बात है समझ में, और यूज़ हम उस तरीके से इसको कर सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है, यहाँ वहाँ पर स्लोप मिलेगा, यहाँ पर स्लोप खुद निकालना पड़ेगा दो पॉइंट से। ठीक है, और दो पॉइंट से फॉर्म स्लोप कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा हुआ है, और मैंने इसको ड्राइव भी किया हुआ है लास्ट वीडियो में। ठीक है, अब वहाँ से इसको समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो फॉर्म है मेरी वो देखते हैं। ठीक है, ये मेरी थी इक्वेशन निकालने की, कौन सी, टू पॉइंट फॉर्म। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपको वो टू पॉइंट दे दे और स्लोप, और ऐसा भी नहीं होगा कि आपको एक पॉइंट और स्लोप दे। तो एक तीसरी हम फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है, वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, जो भी आपको अगर कोई क्वेरीज आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए, कोई वीडियो में आपको अच्छा नहीं लग रहा तो वो मुझे बताइए, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।